और दिखाना मुफ्त में देखेंगे। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। मेरा नाम अक्षय धीमान है, मैं हैंडमेड प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करती हूँ, हैंड डेकोर प्रोडक्ट्स, वॉल आर्ट पीसेस, की चेन्स, कैंडल होल्डर्स, ज्वेलरी, सेंटर पीस, रेजिन। मेरा मीडियम है रेजिन अल्कोहल, तो रेजिन का स्टफ होता है। ये मटेरियल बना रखा है इसका? हाँ, ये सब MDF बेस के ऊपर एक्रेलिक पेंट से डिज़ाइन किया हुआ है, सारा हाथ से बना हुआ है। 24 इंचेस का पीस, ऑलमोस्ट 1.5 महीना लगता है एक पीस बनाने में। बहुत बढ़िया। जी, मेरे स्टॉल का नाम है पूजा फैशन हाउस। यहाँ आपको ज्वेलरी से रिगार्डिंग, कॉस्मेटिक से रिगार्डिंग, कपड़ों से रिगार्डिंग, पर्सेस, सब कुछ अवेलेबल होगा। जो भी मेरे की नीड होती है करवा चौथ पे, दिवाली पे, सब चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबल होंगी। बहुत ही कम प्राइस पे, बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन और बहुत अच्छी वेराइटी अवेलेबल होगी। Hello, I'm Dr. Gunjan Chaudhary. I'm a working dentist and this is my pebble art. This is my hobby. इसमें हम जो pebbles हमें river से मिलते हैं, कोसी river से मैं लेकर आती हूँ और उन pebbles को बिना छेड़े हुए उनको उसी तरह से उनसे कुछ ऐसा बनाती हूँ जो लोगों को पसंद आता है। वो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मेरा पेज है Talking Pebbles by Gunjan Instagram पे, वो आप फॉलो कर सकते हैं और आप वहाँ ऑर्डर कर सकते हैं अपना पर्सनलाइज स्टफ। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि बिकॉज मैं डेंटिस्ट हूँ तो मैंने ये एक डेंटल क्लिनिक का सेटअप बनाया है। इसमें ये डेंटिस्ट है जो काम कर रहे हैं, एक चेयर है, उस पर एक पेशेंट भी आप देख सकते हैं। और बाकी हर जगह के लिए, स्पेसिफिक जगह के लिए मैंने बनाती हूँ। जैसे ये पर्टिकुलर ये बाथरूम स्पेसिफिक है, जो आप अपने बाथरूम में इसको लगा सकते हैं। है जो बाथरूम स्पेसिफिक है, जो लोग अपने चाहते हैं अपने बाथरूम को सजाना, वो इस तरह की चीज़ जो अलग सी अनोखी सी चीज़ चाहते हैं, वो इस तरह की चीज़ लगा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं जो लकड़ी के ऊपर बनाते हैं हम, तो लकड़ी हमें पेड़ से मिलती है डायरेक्ट, उसी पे बनाते हैं। फिर ये पत्थर है, ये निकलेंगे नहीं। इसमें की रिंग होल्डर्स है हमारे पास, और फिर एक फैमिली पोर्ट्रेट्स भी होती है इसमें, जैसी इस तरह की है। तो लोग मुझे जिस तरह से बोलते हैं कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए, मैं वैसा बनाती हूँ। तो ये ऑर्डर पे बनते हैं और डायरेक्टली भी आप यहाँ से आप मेरे से परचेस कर सकते हैं। मैडम आई। हेलो, हाँ कैसे हो? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बनाया है मैंने सारे। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर। आपने स्टोर लगाई है, इसके बारे में बताइए। सर, ये सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, बच्चों ने इन सब पे पेंट किया है। कुछ हमारे रिसाइकल रीयूजेबल का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो कपड़े से ख़राब हो जाते हैं तो उनको नई तरीके से बच्चों ने बैग बनाए हैं, मास्क बनाए हैं। तो ये कैंडल्स सब बच्चों ने बना रखे हैं, आप देखिए। दीज ऑल आर द प्रोडक्ट्स, सब बच्चों की बहुत मेहनत है, 2 महीने से लगे हुए हैं बच्चे। सो लेट्स सी।
अच्छा, कोई, कोई कोई मैसेज जनता के लिए? मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के स्टॉल पे आप लोग आइए, और अच्छी बात ये है कि इससे जमा हुई सारी धनराशि इन बच्चों की एजुकेशन पर ही जाएगी, तो आई थिंक आपका छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। थैंक यू सो मच। सर आपको भी अभी आपने स्टॉल बनाई लगाई है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। सर हमारा होम डेकोर का स्टॉल है, हम लोग होम डेकोर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, हमारा ई कॉमर्स है गग डेकोर हब के नाम से, और बहुत जल्दी शॉप भी ओपन करने का सोच रहे हैं काशीपुर में, एंड होपफुली रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बिल्कुल करेंगे। लोकल फॉर लोकल जी सर, ये हमारी मीशो है, ये 43,000 की आएगी आपकी, इसमें सर आपको 2100 का डिस्काउंट मिलेगा जो यहाँ से परचेज करता है। 1,02,000 रुपये की आ रही है, एक चार्ज होने पर 150 रुपये मिलता है। इसका मेरे को है बैटरी आती है, 1 घंटे की बैटरी है, 3 घंटे में चार्ज हो जाती है सारी गाड़ी करना, फिर स्टार्ट हो जाएंगी सर। बहुत बढ़िया, ये चीज़ें स्टार्ट होगी सर। मेरे ख्याल से ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं सर, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अच्छा किसी में ड्राइविंग लाइसेंस में है सर। अच्छा जिप्पे कंपनी से आए हैं, ये पास्ता है। क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हैं आपके? बर्मिजैली है, मैक्रोनी है, पास्ता है, पापड़ है, और ग्लूटीन फ्री पास्ता है। मुरादाबाद से है प्रोजेक्ट, इसने ये एक एनजीओ है जो गांव की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उनको ट्रेनिंग देकर के सिलाई कढ़ाई और मैक्रमे की निटिंग का वर्क सिखाता है, और उनके द्वारा बनाए हुए उत्पादों को आज हम यहां पर एग्जिबिट कर रहे हैं। हमारे पास कोठनी है, स्लिंग बैग्स हैं, ऑर्गेनिक फूड के प्रोडक्ट्स हैं, दिवाली से और करवा चौथ से रिलेटेड और घर को सजाने से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो महिलाएँ परचेज कर सकती हैं। मोटरसाइकिल 2382 लगा रहे हैं। और काशीपुर की वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर जी आइए, मेले का भरपूर लुत्फ लीजिए, आनंद लीजिए। सर बिल्कुल फिट आ रहा है, या नोनी काम क्या कराइए केवल महिलाओं के लिए? हमारे पास सारे सप्लीमेंट्स हैं, और जिसके भी घटी बड़ी आए नीतू जी नजर नहीं आ रहे। हाँ साहब, सभी माताओं बहनों को दीपावली, करवा चौथ, भाई दूज, सभी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारत विकास परिषद काशीपुर द्वारा एक उमंग महोत्सव का आयोजन करा जा रहा है, जिस प्रकार आप देख रहे हैं इसमें महिलाओं द्वारा काफ़ी अच्छी स्टॉल्स लगाई गई हैं, और यहाँ महिलाओं द्वारा महिलाओं को मेहंदी लगवाई जा रही है, पंखों की व्यवस्था करी गई है, इसमें सब महिलाओं द्वारा ही मेहंदी लगाई जा रही है, और जो मेहंदी लगाई जा रही है महिलाओं द्वारा, इसमें सारी कमाई महिलाओं की है जो मेहंदी लगा रही हैं, इसमें परिषद उनसे कोई अंश नहीं ले रहा, जबकि सारा खर्चा भारत विकास परिषद काशीपुर वहन कर रहा है। और इसमें सोच हमारी ये है कि जो हमारी बहनें हैं वो कुछ कमा करके यहाँ से लेके जाएं, ताकि त्यौहार के टाइम पर, त्यौहारी सीजन में उनके पास भी परचेजिंग करने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए कुछ पैसा हो, इस सोच से हमने ये इसका आयोजन करा है। कई प्रकार की स्टॉल्स बहनों द्वारा आयोजित करी गई हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टॉल्स हैं,
वो आएँ, सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है वो आएँ, इसका लुत्फ़ उठाएँ और आनंद लें। ये मेला रात्रि 9 बजे तक चलेगा, उमंग महोत्सव के नाम से इसका नाम रखा गया। धन्यवाद। ये पाँच दस परिषद के द्वारा ये उमंग का आयोजन किया गया है 23 अक्टूबर को, जिसमें कि अलग अलग स्टॉल्स हैं, सूट साड़ीज लहंगे के अलावा चूड़ियां हैं, डेकोरेशन का है, बेडशीट, सभी कुछ है। कोशिश की गई है कि शहर के लिए कुछ अच्छा कुछ नया कर सके, सबके कलेक्टिव एफर्ट्स हैं। देखिए क्या रिजल्ट आता है, उम्मीद है शहर के लोग इसे सराहेंगे। धन्यवाद। क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और ये भारत विकास परिषद काशीपुर की तरफ से एक प्रयास है, ये हमने अपनी मातृशक्ति के लिए, ताकि किसी को भी सड़क के किनारे बैठ करके मेहंदी ना लगवानी पड़े, स्टॉल्स वगैरह लगाती हैं विभिन्न शहरों में जा करके, उनको हमने भी एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हमारे यहाँ आकर के और ये अपने स्टॉल्स लगाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो मेहंदी लगवाने वाली बहनें बुलवाई हैं, ये हमारे अपने ही शहर की हैं, और इसमें जो भी इनकी इनको भुगतान मिलेगा वो इनका अपना ही होगा, उसमें भारत विकास परिषद कोई अंश नहीं लेगा, हमने सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। तो क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस दीपावली पर आप सभी लोग अपने लोकल पर वोकल करें, फोकस करें, जो हमारे बाज़ार में बैठने वाले छोटे छोटे कुमार भाई बहने हैं, जो मेहनत करके अपने आप से दीप बनाते हैं और विभिन्न आइटम बनाते हैं, उन लोगों को अधिक से अधिक खरीदारी करें।